अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो सब। मैं ढूंढ रही थी कि मैं देखूं, मैं इतने दिन से यही वेट कर रही थी कि चलो सितारा यासीन ने एक बात कही थी, वो अपनी बात पे पूरी उतरती है कि नहीं। तो मैंने कहा चलो दो चार दिन वेट कर लेते हैं। उसकी वीडियो जो थी उसने प्राइवेट करनी थी, जिसमें उसने कहा कि मैंने इस मामले को बढ़ाना नहीं है, मैंने कम करना है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं वो कब तक वो वीडियो प्राइवेट करती है। लेकिन उस वीडियो पे तो दिन ब दिन व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहना भूल गई हैं उसको प्राइवेट करना। मैं तो पहले ही आपको कह रही थी बाबू भैया व्यूज़ का चक्कर है, लेकिन आप लोग मेरी माने नहीं हो और सपोर्टर हेटर्स को आपस में लड़ा दिया, जो बेचारों को कभी मुंह पे लानते पड़ रही हैं कभी कहीं सितारा के शोहर से, और कभी वो कहता है कि अब मुँह में क्या आ गया और पता नहीं क्या क्या वो लफ्ज़ बोलता है वो इंसान, और कुछ दिलबर भी शुरू हो गया। तो पहले ये देखें, उसने कहा था कि मैं अपनी वीडियो प्राइवेट कर दूंगी, ये क्लिप मैंने लगा दी है, तो अभी तक देख लें उसने प्राइवेट नहीं की। तो इससे साफ साबित होता है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना, आप मेरी मान लें, थोड़ा अकल से काम लें, ये सब कुछ व्यूज़ के लिए हुआ। मैं एक झूठ पहले ही उसका पकड़ चुकी हूँ शाहरुख की वीडियो से, और एक झूठ मैं असगर की वीडियो से पकड़ चुकी हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर दी। अगर आपको वो नहीं मिली मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें और फिर मुझे बताएं कि जो मैं कह रही हूँ क्या वो झूठ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ना, इनके झूठ और एक्सपोज होते जाएंगे, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।